सो हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त अनित बाग फिर से स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग पे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। और दोनों काना कन्हैया खेल रहे हैं दोनों। तो सुबह एक बार चूल्हा जलाए थे, चूल्हा जलने के बाद में सबसे पहला जो है चाय बनाए, चाय बनने के बाद फिर चावल, और अभी फिर एक बार कोयला डाले हैं। तो क्योंकि हम लोगों का घर का बाहर में दोस्तों बहुत घास और छोटा छोटा पेड़ सब है, तो वही खाने के लिए जितने भी गाय सब हैं ये हम लोगों का घर का बाहर में हमेशा गाय मिलेंगे आपको। तो माँ को दोस्तों बहुत तेज़ बुखार था कल रात को, मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई उवाई ला के दिया, तो अभी थोड़ा सा उनको राहत मिला है, ठीक है अभी। तो जी हाँ दोस्तों, क्या हो रहा है मेरा साथ में क्या पता, अभी 3 दिन हो रहा है मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, अभी हाल ही में ठीक हुआ है। कल से जो है थोड़ा सा मेरा तबीयत में कुछ सुधार आया है, और आज फिर माँ का तबीयत ख़राब हुआ, माँ को मेडिकल लेके गया था मैं रात को, और रात करीब 11 बजे मैं मेडिकल से आया हूँ। माँ का बहुत तबीयत ख़राब था, वहाँ पे मैं बुखार चेक करवाया तो 102 बुखार था माँ का, वहाँ फिर मैं दवाई उवाई लिया, दवाई लेके फिर अभी रात 11 बजे घर पहुँचा, और कंटिन्यू अभी दवाई दे रहे हैं माँ को। और आज का मौसम भी पूरा साफ है दोस्तों। तो अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये गोलू लोंग का छत है, और इधर ये जो देख रहे हैं ये हम लोगों का छत है। तो बारिश का महीना में क्या होता है कि हर बारिश का महीना में आप ये देख सकते हैं, ये छत का ऊपर में जितना ये जो पेड़ पौधा जो दिख रहा है ऐसा पूरा छत का ऊपर में पूरा ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा ऐसा ही भर जाता है, और इसको हर साल हम लोग को साफ़ सफाई करना पड़ता है इसको। तो अभी आप जो यहाँ पर देखिए ये पूरा साफ़ दिख रहा है, इसको हम लोग पिछला महीना ही इसको सफाई किए थे, और थोड़ा बहुत ये जो बच गया था इसको छोड़ दिए थे, अभी ये बारिश का चलते फिर से बड़ा हो गया है। और ये गोलू लोंग का साइट में है, गोलू लोंग भी आधा साफ़ किया और आधा ये जो है इसको छोड़ दिए हैं, इसको फिर किसी दिन देख के साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही बाजा बजना चालू हुआ तो ये सना भांजी दौड़ते हुए बाहर निकली और जा रही हैं देखने के लिए, और गोलू गोदी में भांजा को भी लेके जा रहा है। तो कल दोस्तों मुझे राउरकेला जाना था, क्योंकि राउरकेला में एक भैया का पापा जो हैं वो एक्सपायर कर गए हैं, उनका क्रियाक्रम था, लेकिन अफसोस लग रहा है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और वो बहुत करीबी हैं, 2-3 बार बोल चुके हैं कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो, लेकिन मैं इधर से जा नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी हुआ कि मेरा तबीयत भी अभी बीच में 2-3 दिन ख़राब हो गया, उसका बाद में जैसा अभी थोड़ा तबीयत सुधार हुआ तो अभी फिर माँ का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसी वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे। और यहाँ आप दोस्तों ओमी को देख सकते हैं, ओमी आज क्योंकि सैटरडे था उसीलिए वो जल्दी क्लास से आ गया, और क्लास से आने का बाद में अभी फिर कहाँ गया हुआ था, कहाँ गए थे बाजा देखने, क्या चीज़ का बाजा बज रहा है। तो अभी दोस्तों सना भांजी जो हैं यहाँ से मट्टी निकाल रही थी और मट्टी खा रही थी, मैं जब उनको डांटा तब जाके वो फेंकी हैं, खा रही थी ना मट्टी, खा रही थी ना, हाँ मट्टी नहीं खाओगे ठीक है। हाँ तो आज दोस्तों लाइन जो है बहुत परेशान कर रहा है,
आ रहा है जा रहा है, करीब ये 2-3 बार हो चुका है। इधर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, जिसका वजह से चेयर वेयर निकाल के हम लोग चले गए इमली का पेड़ और जो हम लोग का घर का बाहर है, और वहीं पे ही सब बैठे हुए हैं। तो अभी ये ओमी को देखिए दोस्तों, अब ओमी नहाने जा रहा है और वो अपना कपड़ा जो है खुद से धोता है ओमी। तो अभी मेरा ये बैक साइड में देख सकते हैं दोस्तों आप, ये खटिया में भांजा जो है वो भांजा सोए हैं अभी, और खटिया का ये नीचे साइड में भांजी बैठी हैं सना भांजी, और उनको देख रही हैं, और हम लोग भी यहीं पर ही बैठे हुए हैं इमली पेड़ का नीचे में। तो क्योंकि पावर कट हो जाने के बाद में करंट जल्दी आता नहीं है, उसीलिए ही सब यहां पर बाहर में ही बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कितना बजे तक करंट यहां पे आ रहा है,